जिस शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ किया जा रहा है। जी हाँ, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से आज शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से लगातार गिदड़बकियाँ देते हुए नेता जो है वो नज़र आ रहे हैं, और अब की बार इमरान खान ने जो गिदड़बकी देते हुए कहा कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं, हम चूकेंगे नहीं। जी हाँ, और इस तरह की गीदड़ बबकियाँ देते हुए हमेशा ही पाकिस्तान के नेता और जिस तरह से इमरान खान नज़र आते हैं, आप देख सकते हैं आज किस तरह से यहाँ पर शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सब्जियाँ भी दिखाई दे रही हैं शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से, और ये नारेबाजी लगातार करते हुए नज़र आ रही है। मैं आपको बता दूँ कि इनका कहना है कि इमरान खान पहले अपने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करें, फिर जाकर परमाणु हथियारों की जो हमें गीदड़ भक्कियाँ देता है उसके बारे में सोचें। जी हाँ, और अभी आप देख सकते हैं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफ़ी ख़राब है, फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आता है। बार बार इस तरह की गीदड़ भक्कियाँ देते हुए, परमाणु हथियार के बारे में कहते हुए और अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए प्रोटेस्ट इमरान खान द्वारा परमाणु बम की धमकी और घर के अंदर नई दाने दे अम्मा चली बुनाने। अरे टमाटर का भाव क्या है 250 रुपया किलो, थोम का भाव क्या है 450 रुपया किलो, अदरक का भाव 350 रुपया किलो, और टमाटर का भाव आसमान को छूने का प्रयास करना चाहता है और वो हमको थ्रेट दे रहा है कि मारे परमाणु बम चलाऊंगा। अरे ट्रंप के कहने के बाद मुस्लिम कंट्री के अंदर मोदी जी को सम्मान मिलने के बाद मिर्ची लग गई मिर्ची, और अब वो कहता है मैं परमाणु बम चलाऊंगा। अरे बालाकोट के अंदर हमने हमला करा, तूने परमाणु बम क्यों नहीं चलाया? अरे करगिल के अंदर हमला करा, तूने परमाणु बम क्यों नहीं करा? हमने एयर स्ट्राइक करी, तूने परमाणु बम क्यों नहीं चलाया? अरे गीदड़ भक्कियां देने से कुछ बनने वाला नहीं है, इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मोदी है तो मुमकिन है, ये बात मोदी जी ने प्रूव कर दी है। लेकिन अपोजिशन पार्टियों से भी कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के हाथों में खेलने का प्रयास मत करें, लेकिन एक बात याद रखो, ये गीदड़ भक्की चलने वाली नहीं है, और FTAF के अंदर बिल्कुल फेल हो गया पाकिस्तान, और अब पूरे मुस्लिम कंट्री के अंदर हिंदुस्तान की चल रही है। इसलिए पाकिस्तान की गीदड़ भक्की और पाकिस्तान जो बुखला गया है वो अब काम करने वाला नहीं है, इसलिए घर के अंदर नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। अरे 25 रुपये किलो फुलका, एक फुलका मिल रहा है, एक फुलके की कीमत 25 रुपये, और वो हमको गीदड़ भक्की देता है परमाणु बम की, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए एक ही बात, ये गीदड़ भक्की अब हिंदुस्तान नहीं सुनेगा, अब POK पर हमला करके प्रैक्टिकल बताएगा हमका FTAF के अंदर उसकी क्या हाल हुई, ट्रंप ने क्या बोला, मुस्लिम कंट्रीज ने क्या बोला। अब इसके पास तो उसको चुन्नी लेकर के अपना मुँह छुपा लेना चाहिए, और उसके बाद भी गीदड़ भक्की देता है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अगर तेरे में दम था जब सर्जिकल स्ट्राइक करी तूने क्यों नहीं हमको परमाणु बम चलाया? जब अभिनव गया तुम्हारे वहाँ तब तुम बालाकोट के अंदर चुप क्यों थे? अरे गीदड़ भक्कियाँ किसी और को देना। अरे याद रखो, 25 रुपये का फुलका बेचने वालों और महंगा सामान बेचने वालों, पाकिस्तान की जनता तुम्हारे विरोध के अंदर खड़ी है। अब ये क्रिकेट का बैट नहीं चलेगा।